तो हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं इनविंसिबल वन। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाना जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन जाए। तो दोस्तों, मेरे इंस्टाग्राम मेडिकल लिंक और साथ में मेरी रेफरल लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार जरूर चेक कीजिएगा। तो अगर आपको रेफरल्स पसंद आती हैं तो आपको मेरा चैनल बहुत पसंद आएगा, क्योंकि मैं शूटिंग वीडियोज़ पावर वीडियो भी वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। और दोस्तों, अगर आपने कोई मेरा फ्रेंड ऑल ओवर इंडिया किसी भी टाइप की एयर गन्स, साउंड गन्स, एयर राइफल्स, स्कोप्स, पैलेट्स, एयर गन एसेसरीज, कोई भी ऐसी चीज़ खरीदना चाहता है तो एक नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इस पर सिर्फ आपने व्हाट्सअप करना है और ऐसी कोई भी चीज़ आप ऑल ओवर इंडिया बाय कर सकते हैं, आपके घर तक होम डिलीवर कर दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो गाइस कल मैंने बनाई थी अपनी VX100 स्पार्टन की वीडियो, तो वो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो कल मैंने आपको कहा था कि मैं हरिकेन 18 शायद अपने चैनल पर लाऊंगा, और दोस्तों आज वो चीज़ सच हो चुकी है। जो आप अपने सामने गन देख रहे हैं वो है आर्मर स्पोर्ट्स स्मॉल 16 हरिकेन राइफल। तो हाँ जी दोस्तों, देख के आपको लग रहा होगा 16 ही है, पर ये हरिकेन 18 ही है। इसका मैं आपको अभी प्रूफ देता हूँ और मैं बताऊँ, मैंने अपनी हरिकेन 16 सेल कर दी है, मैं अपनी हरिकेन 18 लेके आया हूँ। और ये जो अपग्रेड किट है ये वो पुरानी अपग्रेड किट है जो 16 पे थी, ये बेल्ट स्लिंग भी पुरानी है जो 16 पे थी, पर एक गन है न्यू आर्मर 18। तो उसका प्रूफ देता हूँ मैं आपको। तो मैंने यहाँ टेप लगाई क्योंकि आप सीरियल नंबर ना देख पाए, पर मैं अभी फ्लैश लाइट ऑन करूँगा तो आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते होंगे गन पे क्लियरली लिखा हुआ है हरिकेन मॉडल 18, आप देख सकते हैं हरिकेन मॉडल 18 इसके ऊपर क्लियरली लिखा हुआ है। ठीक है गाइस, तो हाँ ये मेरी हरिकेन मॉडल 18 है और इसकी वीडियोस में चैनल पे आएंगी, पर इसका आपको फर्स्ट इंप्रेशन देता हूँ। और मैं क्या इसको थोड़े से मैंने यूज़ किया है तो मुझे क्या इंप्रेशन मिला है मैं वो आपको बताता हूँ। तो गाइस, ओवरऑल लुक्स में कोई डिफरेंस नहीं है एंड लेंथ भी सेम है, बैरल के ऊपर फिनिशिंग भी सेम है, बट जो सबसे बड़ी चेंज किया आर्मर ने, मैंने इसको चला के देखा, इसका गाइस ट्रिगर बहुत ही स्मूथ है पहले के मुकाबले, क्योंकि इसमें पॉलिश सेयर डाला है तो बहुत ही स्मूथ इसमें ट्रिगर है, जिससे आपको एक्यूरेसी में भी अच्छा लगेगा और आप बहुत देर तक लॉन्ग टाइम तक शूट कर सकते हैं। बाकी गाइस, इसमें एक और चीज़ जो मुझे डिफरेंट लगी वो है इसकी स्मूथनेस। इसकी शायद जो ये सिलेंडर है ना उसको भी पॉलिश किया हुआ है, जिससे जो जब इसकी जब इसको फायर करते हो तो इसकी रिकॉल तो चलो उतनी है, पर बहुत स्मूथ रिकॉल है। पहले जो गन थी 16 मॉडल था उसमें थोड़ी हार्श रिकॉल थी, इसमें काफ़ी स्मूथ रिकॉल है, तो ये मुझे डिफरेंस लगा। और बाकी अगर आपके पास पुरानी अपग्रेड किट है तो वो 18 में आराम से फिट हो जाएगी, क्योंकि स्टॉक सेम है और बहुत ही बेहतरीन गन है ये, क्योंकि अगर देख चुके हैं तो 16 थी मेरे पास, अब 18 है। ओवरऑल फंक्शनिंग सबकी सेम है, इसमें भी एंटी बैटरी सेफ्टी सिस्टम है। एंड जो एक डिफरेंस मुझे और लगा जो बहुत माइनर सा डिफरेंस है वो है, रुको मैं लाइट ऑन करता हूँ, वो है ये स्क्रू, शायद इन्होंने एक और ऐड किया है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के लिए, ये वाला स्क्रू, पहले स्क्रू नहीं था यहाँ पे। तो ये तो माइनर डिफरेंस है पर मैं आपको बताना चाहता था। मेन डिफरेंस है कि पहली वाली गन से ये बहुत स्मूथ गन है एंड इसका ट्रिगर बहुत स्मूथ है, साथ ही साथ इसकी पावर अभी मेरे को थोड़ी इंक्रीज लग रही है, पर वो डीजलिंग भी कर रही है गन, पर आपको पता है हरिकेन 16 अपनी इंडिया की सबसे पावरफुल गन थी, तो ये भी उसके, ये तो उसका बेटर वर्जन है, तो ये भी उतनी पावरफुल होगी। एंड द मेन थिंग इज, लोग कहते थे कि आर्मर का ट्रिगर हमको स्मूथ नहीं लग रहा, ट्रिगर बहुत इंप्रूव्ड है। एंड जो मुझे दूसरी चीज़ लगी वो लगी इसकी स्मूथनेस, थोड़ा सा मैंने इसको चलाया एंड अभी न्यू गन है, अभी डीजलिंग कर रही है, फिर भी मुझे बहुत स्मूथ लगी, क्योंकि इसकी जो अंदर ये सिलेंडर है इसको भी पॉलिश किया, इसकी सील भी न्यू डिफरेंट, सील को भी सील में भी कोई इंप्रूवमेंट किया, जिससे जो स्मूथनेस है गन की बहुत बढ़ गई है। रिकॉल है पर बहुत स्मूथ रिकॉल है एंड ट्रिगर जो है उसका पॉलिश सियर है, तो ट्रिगर बहुत स्मूथ है। बाकी आपके पास कोई भी पुरानी एसेसरी हो आर्मर की इस पर लग जाएगी, इसमें भी स्कोप लग जाएगा यहाँ पे एंड साउंड कॉर्क इसमें भी फिट हो जाएगा आराम से, और वही रैम स्टाइल की साइट है और साइट एडजस्ट करने के लिए ये एलन की का सेट आपको साथ में मिलता है। तो मैंने अपनी हरिकेन 16 सेल कर दिया और यह मेरे पास हरिकेन 18 है, आपको फिर से दिखा दूँ। ये देखो, ये मैंने अपना सीरियल नंबर छुपाया हुआ है, पर ये देखो लिखा हुआ है हरिकेन मॉडल 18। ठीक है, तो हरिकेन 18 है, इसकी वीडियोज मेरे चैनल पर आएंगी। और फर्स्ट इंप्रेशन दूँ तो स्टॉक में सारी फीचर्स हैं, ये मैगजीन भी अभी तक है इसके अंदर, तो आप दूर से देख के नहीं बता सकते 18 है कि 16 है, पास से आकर आपको पता लगेगा, पर एक बार आप चलाएंगे तो आपको पता लगेगा इसका ट्रिगर बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है एंड जो रिकॉल है वो बहुत स्मूथ है। तो अगर आपके पास 16 है तो आप 18 पे अपडेट करना चाहते हैं फॉर ट्रिगर, इट्स अ गुड चॉइस। अगर आपको पहले लगता था कि आप मगर ट्रिगर थोड़ा स्मूथ नहीं है, तो आप, मैं आपको बता दूँ 18 में ये सारी चीज़ें सॉल्व कर दी गई हैं। ओवरऑल ट्रिगर तो स्मूथ है ही, साथ में जो शूटिंग साइकिल है, जो स्प्रिंग है वो जब आगे जाता है तो बहुत स्मूथली, मतलब आपको एकदम से झटकाने लगे, काफ़ी स्मूथ रिकॉल हो चुकी है। तो इसकी पावर वीडियो शूटिंग वीडियो मेरे चैनल पर आती रहेंगी, ये मेरा फर्स्ट इंप्रेशन था। और हाँ, शायद आप देख के ना पहचान पाए हो, बट इट्स हरिकेन 18। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।
प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ये हरिकेन 18 की शायद लेटेस्ट वीडियो है यूट्यूब पे, एंड कुछ भी बाय करना चाहते हो तो नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं, आप व्हाट्सएप करके बाय कर सकते हैं। ओवरऑल वेरी नाइस गन, पावर 16 से थोड़ी ज़्यादा है एंड स्मूथनेस भी 16 से ज़्यादा है। सो थैंक्स वॉचिंग गाइज, बाय।